हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हीरो स्प्लेंडर BS6 बाइक, जिसमें कि ब्रेक नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें ब्रेक लगाने पर काफ़ी आवाज़ कर रहा है, तो आइए आपको सुनाते हैं किस टाइप का आवाज़ हो रहा है इसमें। तो बाइक स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपको आवाज़ सुनिए आप। आप लोगों ने सुन लिया होगा, तो देखते हैं खोल के इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए व्हील को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसका ड्रम में जो है कि लाइनिंग आ चुका है। आपको क्लियर कर दूं, जिसके कारण से इसमें साउंड आ रहा है, और इसका ब्रेक शू भी हार्ड हो गया है। तो इसको भी सीरीज पेपर की मदद से इसका घिसाई करेंगे, और ड्रम को भी अच्छी तरह से इसको घिसेंगे और स्मूथ बनाएंगे सरफेस को। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका ड्रम जो है कि एकदम स्मूथ हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से घिसाई कर दिया है। अब उसी तरह ब्रेक शू को भी साफ कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने ड्रम को और ब्रेक शू दोनों ही क्लीन कर लिया है। अब चलिए इसका फिटिंग करते हैं और देखते हैं साउंड ख़त्म हुआ या नहीं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, व्हील लगाने से पहले देख लेना है कि व्हील का अलाइनमेंट सही है या नहीं। अलाइनमेंट यानी इसका जो चैन चाबी जो होता है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। BS6 गाड़ियों में होता क्या है कि थोड़ा सा भी आपका ये आउट रहेगा या एक तरफ रहेगा व्हील, तो ये फिर साउंड करेगा। तो आपको देख लेना है और बढ़िया से मिला लेना है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर सा हल्का सा ज़्यादा है तो हम थोड़ा सा इसको लूज़ कर देंगे। तो हम देख सकते हैं इधर से भी बराबर है। तो चलिए इसको टाइट करते हैं, उसके बाद दोस्तों व्हील हमारा टाइट हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है,
ये वाला जो ब्रेक का जो स्प्रिंग होता है ये लूज़ नहीं होना चाहिए, तो मेरे कंडीशन में ये लूज़ है, तो इसको भी हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने स्प्रिंग को कट करके छोटा कर लिया है। देख सकते हैं, चलिए इसको फिट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइक और साउंड चेक करते हैं। गियर लगा, दोस्तों देख सकते हैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साउंड नहीं है ब्रेक में, ब्रेक अब सही हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।